अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से इतला करते हैं कि इस्तकामे पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलम तरीन ने खुदकुशी कर ली है। बारह बताते चलें कि इस्तकामे पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह थे जहांगीर तरीन, उनके भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली है। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। पुलिस जराए के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मार ली, जिसके नतीजे में आलमगीर तरीन ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। पुलिस जराए का कहना है कि आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलवर में वाक़ अपने घर में थे। वहां से इतला मिलने पर पुलिस पहुंची है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही खुदकुशी हो चुकी थी, और जबकि उसने एक तहरीर भी छोड़ी है जिसमें उसने अपनी बीमारी के बारे में जिक्र किया हुआ था। लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें किसी भी बीमारी का इल्म नहीं था। और आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे, जबकि उनके दोस्तों का कहना है कि वो उनकी मंगनी हो चुकी थी और वो दिसंबर में शादी करने जा रहे थे, और इनकी उम्र तकरीबन थी 63 साल।